और अब आपको पुणे से आया वो वीडियो दिखाते हैं जिसके वायरल होने के बाद पुलिस के होश उड़ गए। तीन बदमाश एक लड़की को सरेआम छेड़ रहे हैं, उसे पीट रहे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं, उस लड़की को बचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। सड़क पर अकेली बेसहारा लड़की, लड़की के पीछे नशे में धुत तीन बदमाशों ने लड़की से सरेआम की छेड़छाड़। लड़की ने विरोध किया तो उसकी जमकर पिटाई। छेड़छाड़ और गुंडागर्दी की ये तस्वीरें पुणे से आई हैं, जिसे देखकर हर कोई सन्न है। पुलिस के भी होश उड़े हैं। हम आगे का पूरा मामला बताएं, उससे पहले आपको इन तीनों बदमाशों का चेहरा दिखाते हैं। ये रहा पहला बदमाश, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों नशे में धुत थे और बीच सड़क पर लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे। वारदात पुणे के पौश चंदन नगर इलाके की है। बुधवार 13 दिसंबर की रात की घटना है। तीनों बदमाश लड़की से छेड़छाड़ के वक्त उसे गालियां दे रहे थे। लड़की ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, लड़की को थप्पड़ मारा, उसकी पिटाई की। उपला होटल के ठीक सामने की इस घटना को वहीं खड़े एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो तेजी से वायरल होते ही पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। बुधवार रात से ही आरोपी लड़कों का सुराग जुटाने में लग गई, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि लड़के कहां से आए थे और वारदात को अंजाम देकर कहां चले गए। लड़की कौन थी और इस घटना के बाद उसका क्या हुआ,